आज प्रयाग की धरती पर गंगा यमुना सरस्वती के पावन स्थल पर, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है प्रयागराज की धरती पर, हम आपको वहां का दृश्य दिखा रहे हैं। देखा जा रहा है कि आज यहां संगम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। लोग श्रद्धा भाव के साथ संगम में स्नान कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। लोग आस्था के साथ त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। देखा जा रहा है कि आज यहाँ पर संगम पर, संगम घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। लोग दूर दूर से आकर, भारत के कोने कोने से लोग आकर यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। श्रद्धा भाव के साथ सभी श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। कितना ही दिव्य स्थल है यह। यहाँ पर लोग मौज मस्ती भी कर रहे हैं, संगम में स्नान भी कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, और देखा जा रहा है कि लोग मस्ती से झूम रहे हैं आस्था के साथ। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर स्नान कर रहे हैं बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ। आज यहाँ संगम पर भारी भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की। सभी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं श्रद्धा भाव के साथ। और कितना ही दिव्य यहाँ का दृश्य है, कितना मनोरम दृश्य है कि संगम में लोग डुबकी लगा रहे हैं। यह पावन धरती, त्रिवेणी की धरती, जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ मिलकर यहाँ संगम बनाती हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि गंगा यमुना तो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन माता सरस्वती यहाँ पर अदृश्य हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर तीनों नदियों का संगम है, जहाँ पर श्रद्धालु श्रद्धा भाव के साथ संगम में डुबकी लगाते हुए देखे जा रहे हैं। लोग श्रद्धा भाव के साथ डुबकी लगा रहे हैं, लोग डुबकी लगाकर नहाकर यहाँ से वापस जा रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि भारी संख्या में नाव पर सवार होकर श्रद्धालु जो दूर दूर से आए हैं, भारत के कोने कोने से, सभी लोग यहाँ पर श्रद्धा भाव के साथ स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। और बगल में ही यहाँ पर इलाहाबाद का किला भी मौजूद है, जैसा कि वीडियो में साफ देखा जा रहा है। बगल में